हमारे जख्मों पे दुनिया नमक छिड़कती है, हमारे जख्मों पे दुनिया नमक छिड़कती है, तो हम भी मिर्च गदर की दुआ पे रखते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज यकुम अप्रैल है। आज उर्दू शायरी में मीर तकी मीर के बाद सबसे ज्यादा गजल कहने वाले अजीम दानश्वर, अदीब, नक्काद और शायर प्रोफेसर मुजफ्फर हमदी का यौम पैदाइश है। आज ही के दिन यकुम अप्रैल 1936 में खंडवा के अंदर आपकी विलादत हुई। आपने 50 की दहाई से 2020 तक मुसलसल अदब की खिदमत की। उर्दू शायरी, उर्दू तहकीको तनकीद के हवाले से आपकी गिरा कदर खिदमात उर्दू जबान व अदब में हमेशा एक इजाफे की हैसियत रखती है। उनके 9 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, जबकि उर्दू जबान व अदब की मुख्तलिफ असनाफ पर 100 से ज्यादा किताबें शाये होकर मकबूल अनाम हो चुकी हैं। अदब अतफाल के हवाले से आपने जो खिदमात अंजाम दी हैं, तकरीबन 1949 से मुसलसल आप लिखते रहे हैं और आपकी इब्तदाई तख्लीकात में अदब अतफाल के हवाले से आपने बड़ा अहम कारनामा अंजाम दिया है। 14 साल से लेकर 19 साल के दरमियान के बच्चों के लिए आपने बहुत ही दिलचस्प और मार्कतुल आरा अदब तख्लीक की। आपने अपनी तख्लीकी काविशों के जरिए बच्चों की जहनी, अखलाकी, तहजीबी और इल्मी तरबियत की। बच्चों को हंसाते हंसाते उनकी तंबीह की, बच्चों को अपने अकदार से रूशनास कराया, उसूल जिंदगी को अमली जिंदगी में अपनाने पर महमेज किया। अदब अतफाल के हवाले से उनकी तख्लीकात में पेदराना शफकत, दादी अम्मा की कहानी का जलवा और एक शफीक उस्ताद की नसीहत कार फरमा होती है। उनका तख्लीकी आहंग आबशार जैसा है, जो एक सुर के साथ मुसलसल जारी रहता है, जिससे बच्चे खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। मोहतरम नाजरीन, प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी इल्मी, फिक्री, तहकीकी और तख्लीकी खिदमात कायनाते उर्दू के उफुक पर हमेशा रोशन रहेंगे। आपका इंतकाल पुरमलाल 10 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में हो गया। आइए इस मौके पर हम प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब की हयात व खिदमात के बारे में कुछ अहम गोशों पर रोशनी डालते हैं। आपने खंडवा से हाई स्कूल की तालीम हासिल की, लेकिन उसके बाद नामुसाइद हालात पेश आने की वजह से मुस्तकिल तौर पर अपना तालीमी सिलसिला जारी नहीं रख सके, लेकिन मुलाजमत के साथ साथ अपना तालीमी सिलसिला किसी तरह आपने जारी रखा। उसके बाद जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब कामिल की सनद हासिल की और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने आला तालीम हासिल की। फिर उसके बाद भोपाल चले आए, भोपाल में सैफिया कॉलेज से बीए, एलएलबी और उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की और उसके बाद बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से शाद आरफी फन व शख्सियत पर प्रोफेसर अब्दुल कवी दसनवी की निगरानी में तहकीकी मकाला लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की और उसके बाद आपने तरक्की की जो मंजिलें तय करना शुरू कर दी, तो फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1974 में आप NCERT से वाबस्ता हो गए और यहाँ 2 साल खिदमात अंजाम देने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में बहसियत रीडर यहाँ शोबे उर्दू में मुकर्रर हो गए और यहाँ 1989 तक अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। 1989 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उन्हें इकबाल चेयर में प्रोफेसर की हैसियत से फायज किया और फिर यही इकबाल चेयर के डायरेक्टर के ओहदे पर फायज हुए और यहाँ से आप सुबुकदोश होकर फिर आप नई दिल्ली चले आए। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू थे। वो एक जोदगो शायर के साथ बेहतरीन अफसाना निगार, ड्रामा निगार, सहाफी और मुतरजिम थे। आपने अदब अतफाल पर बहुत काम किया। आपने सफरनामा लिखने के साथ साथ तहकीको तनकीद,
तरतीब तदवीन का भी फरीजा अंजाम दिया। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी का शुमार कसीर तसानीफ में होता है। उन्होंने मुख्तलिफ मौजूदात पर 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोई ऐसा शायर और अदीब 20वीं सदी में पैदा नहीं हुआ जिसने मुख्तलिफ मौजूदात पर इतनी किताबें लिखी हो। जो फनी एतबार से मुजफ्फर हनफी साहब अलैहि रहमा के कद को छू सके। मोहतरम नाजरीन, आइए प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब की हयात व खिदमात के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन इससे पहले खुद मरहूम की जबानी उनकी गजल समाप्त करते हैं। असलिया है कि हमारे हाथ अपने हैं, नगम की डोर हाथ हमारे हाथ अपने हैं, नगम की डोर हाथों में, लकीरें तो सुनहरी हैं मगर कमजोर है। हमारे हाथ अपने हैं, नगम की डोर हाथों में, लकीरें तो सुनहरी मगर कमजोर हाथ, लकीरें तो सुनहरी हैं मगर कमजोर हाथ। और अजीमुल मर्तबत माजी था शहजादों की किस्मत का, अजीमुल मर्तबत माजी था शहजादों की किस्मत का, मेरा रंगीन मुस्तकबिल है रिश्वत खोर हाथों। अजीमुल मर्तबत माजी था शहजादों की किस्मत, मेरा रंगीन मुस्तकबिल है रिश्वत खोर हाथों में। फर्ज किया है कि हमें लौह कलम फकीर ने बख्शे तो हैं, लेकिन हमें लौह कलम तकदीर ने बख्शे तो हैं, लेकिन हमारा आबो दाना लिख दिया है चोर हाथों में। हमें लौह कलम तकदीर ने बख्शे तो हैं, लेकिन हमारा आबो दाना लिख दिया है चोर हाथों में। और मेरे इस ख्याल की तस्दीक और तायद वाले शुरा हजरात करेंगे। अर्ज किया है कि कहीं जज्बे के जुगनू लफ्ज की मुट्ठी में आते हैं, कहीं जज्बे के जुगनू लफ्ज की मुट्ठी में आते हैं, मुजफ्फर रोशनी क्यों बंद कर ली कोर हाथों में। उसने समात आपका कहीं जज्बे के जुगनू लफ्ज की मुट्ठी में आते हैं, मुजफ्फर रोशनी क्यों बंद कर ली कोर हाथों में। अर्ज किया है कि मंजिल से कट के दश्त को रास्ता निकल गया, जो मदा चलने में है वो मंजिल तक पहुंचने में नहीं है। मंजिल से कट के दश्त को रास्ता निकल गया, लगता है जैसे पांव से कांटा निकल गया। मंजिल से कट के दश्त को रास्ता निकल गया, लगता है जैसे पांव से कांटा निकल गया। और तुम रुख बदल रहे थे जमाने के साथ साथ, तुम रुख बदल रहे थे जमाने के साथ साथ, कैसा नजर बचा के जमाना निकल। तुम रुख बदल रहे थे जमाने के साथ साथ, कैसा नजर बचा के जमाना निकल। और एक दो शेर और सुने। अर्ज किया है कि ये बात दोस्तों दुश्मनों से नहीं दोस्तों से पूछ, ये बात दुश्मनों से नहीं दोस्तों से पूछ, यकलख्त हम पे बंद हुआ आबो दाना क्यों। ये बात दुश्मनों से नहीं दोस्तों से पूछ, यकलख्त हम पे बंद हुआ आबो दाना क्यों। और बस कह दिया कि हम न चलेंगे किसी के साथ, बस कह दिया कि हम न चलेंगे किसी के साथ, पीछे पलट के देख रहा है जमाना क्यों। सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, इसी जबान में हिंदुस्तान ज्यादा है। क्या कहने, अरे वाह वाह वाह, रसीदा है वाह।
सितम रसीदा है हिंदुस्तान इसी जबान में हिंदुस्तान दिया और हवा पर याद आया कि हवा हवा है तवाजुन बिगाड़ दे हवा हवा है तवाजुन बिगाड़ देती है चमन को एक ही आंधी उजाड़ देती चमन को एक ही आंधी उजाड़ देती है और ये कहते हैं शायद इसी लायक हो कि खुलूस नाम की एक हौलनाक बीमारी खुलूस नाम की एक हौलनाक बीमारी किसी किसी को तो जिंदा ही गाड़ देती है खुलूस नाम की एक हौलनाक बीमारी किसी किसी को तो जिंदा ही आज भी चाहता है कि मुख्तसर पैरों में दो तीन मुख्तसर से बदले देख करो आज क्या है कि सैलाबों को शह देने में सैलाबों को शह देने में तूफान को उकसाने में कितने हाथों की साजिश है एक दीवार सैलाबों को शह देने में तूफान को उकसाने में कितने हाथों की साजिश है एक दीवार वाला कह देंगे कि पूछते पूछते थी जालिम ने अपना सर झुकने पूछते पूछते थी जालिम ने अपना सर झुकने न दिया भूल गई है सांस हवा की एक जरा पूछते पूछते थी जालिम ने अपना सर झुकने न दिया भूल गई है सांस हवा की एक जरा जमीनों में चंदन का मुख्य वर्ष हो गया अर्ज क्या है कि जरा कर जन्नते अर्थी नमा दरमियान से शुरू होता है जला कर जन्नते अर्थी हमारी ये रोजा कहा अर्थी नमा जला कर जन्नते अर्थी हमारी ये रोजा कहा अर्थी मोहतरम नाजरीन अब आइए हम बात करते हैं प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब की तसानीफ के बारे में आपकी सारी तसानीफ तकरीबन शाये होकर मंजर आम पर आ चुकी है हम उनकी तसानीफ का तस्करा करेंगे अलग अलग सिंफ के एतबार से और किस सन में वो किताब शाये हुई है उसके बारे में भी तस्करा करेंगे तो आइए अब हम जानते हैं कि किस सन में आपकी कौन सी किताब और किस फन पे और किस सिंफ में वो किताब शाये हुई है उसके बारे में हम तस्करा करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं शायरी के हवाले से शायरी में पानी की जबान 1968 तीखी गजलें 1968 अक्स रेज 1969 शरीर खामा 1973 दीपक राज 1974 यम बयम 1979 तिलसिम हर्फ 1980 खुलजा सिम सिम 1981 पर्दा सुखन का 1986 या अखी 1997 हाथ ऊपर किए 2002 परचमे गिरदे बाद 2002 आग मसरूफ है 2004 हीरे एक डाल के 2011 कमान ये कुल्लियात है कुल्लियात पहला 2013 चुनीदा 2015 मुजफ्फर की गजलें हिंदी ये हिंदी में शाये हुई हैं ये 2000 में शाये हुई है तेजाब में तैरते फूल ये कुल्लिया ये भी कुल्लियात है ये दूसरी जिल्द है 2013 में शाये हुई है मुजफ्फर हनफी की मुंतखब गजलें ये अंग्रेज़ी में 2013 में शाये हुई हैं मिर्च गज़ल पर ये हिंदी है ये भी 2016 में शाये हुई है गज़ल दस्ता ये हिंदी है ये 2016 में शाये हुई है गज़ल झरना ये हिंदी है 2017 में शाये हुई है गज़ल दरीचा ये भी हिंदी है 2018 में शाये हुई है गज़ल धारा ये भी हिंदी है और ये 2018 में शाये हुई है अब हम बात करते हैं अफसाना के बारे में तो अफसाना के हवाले से उनकी कौन उनका कौन सा अफसाना किस सन में शाये हुआ है तो हम देखते हैं ईट का जवाब ये 1967 में शाये हुआ दो गुंडे 1969 में दीदे हैरा 1970
भोली भोली बिसरी कहानियाँ 2015, ये भोली बिसरी कहानियाँ अदब अतफाल के लिए है, बराए अतफाल बच्चों के लिए। बंदरों का मुशायरा 1954, नीला हीरा 1983, खेल खेल में 2005, चटखारे 2007, नर्सरी के गीत 2007, बच्चों के लिए 2007, हलवा चोर 2011, बोल मेरी मैना 2018, चंदा मामू 2019 में ये किताब शाया हुई है। अब हम बात करते हैं तहकीक और तनकीद के हवाले से, उनकी कौन सी तहकीकी और तनकीदी किताब किस सन में शाया हुई है। शाद आरफी शख्सियत और फन 1976, नकद रेजे 1978, जिहाद व जस्तजू 1982, तनकीदी अबाद 1987, हसरत मोहानी 2000, गजलियात मीर हसन 1992, अदबी फीचर्स और तकरीरें 1992, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये मोनोग्राफ है 1994, बातें अदब की 1994, लाग लपेट के बगैर 2001, वजाहती किताब याद उन्हें ये तीन हिस्सों में है और ये 1981 से 1999 तक उन्होंने तीन जिल्दों में वजाहती किताब याद कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान की तरफ से ये शाया हुई है। ये और ये एक चौथी किताब जो है ये 2003 में शाया हुई है। तो वजाहती किताब याद चार जिल्दों में है, पहली जो वजाहती किताबियात है 1980 में, दूसरी है वजाहती किताबियात वो 1984 में, तीसरी वजाहती किताबियात ये 1999 से लेकर 1981 से लेकर के 99 तक की है, और उसके बाद जो है वजाहती किताबियात ये 2003 में शाया हुई है। उसके बाद है शाद आरफी फन और फनकार, ये 2001 में शाया हुई है, सवालों के हिसार में 2008 में शाया हुई, मीर तकी मीर 2009 में, मजामीन ताज़ा 2010 में, हिंदुस्तान उर्दू में 2007 में शाया हुई है, गुफ्तगू दो बदो ये 2013 में, तनकीदी निगारशात ये 2014 में, शाद आरफी मोनोग्राफ जो कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान की तरफ से शाया की गई है ये 2016 में शाया हुई है, किताब शुमारी 2012 में, कुछ इंटरव्यूज ये 2019 में शाया हुई है। अब हम बात करते हैं तराजम के बारे में, यानी आपने अंग्रेजी से उर्दू में के कालम में जो किताबें ढाली है तर्जमा करके उसके बारे में हम बात करते हैं और ये कब शाया हुई है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें पुर असरार कातिल 1955, चोरों का कातिल 1955, दोहरी साजिश 1956, तारे अनकबूत 1956, शिटलाक होम्स 1956, गुलाग मजमुअल जज़ायर पहली जिल्द और दूसरी जिल्द, गुलाग मजमुअल जज़ायर ये दूसरी जिल्द और ये तीन जिल्दों में ये किताबें शाया हुई है। सखारूफ ने कहा 1976, गुजराती के यकबाबी ड्रामे 1977, उड़िया अफसाने 1980, बेदारी 1980, भारतेंदु हरीश चंद ये 1980 में, बनकम चंद्र चटर्जी ये 1988 में शाया हुई हैं और ये सारे अफसाने जो है या तो हिंदी से या फिर अंग्रेजी से आपने उर्दू के कालम में ढाला है। अब हम बात करते हैं उन किताबों की जिसे आपने तरतीब दिया है। तो ये किताब है चीफ एडिटर नए चिराग खंडवा, ये नए चिराग के चीफ एडिटर की हैसियत से आपने जो माहनामे तरतीब दिए थे 1958 से 1959 तक ये किताबें भी महफूज कर दी गई है। एक था शायर 1959, नसरों गुलदस्ता 1967, शोखिय तहरीर 1971, शाद आरफी की गज़लें 1974, कुल्लियात शाद आरफी 1975, जदीदियत तजियो व तफहीम 1985, सेशिट एकांकी 2000 जायज़ 1985, आज़ादी के बाद दिल्ली में तंज़ो मज़ाह 1992, शाद आरफी एक मताला 1992, रूह गज़ल 1993, कुल्लियात सागर निज़ामी 1999, कुल्लियात सागर निज़ामी जिल्द दोम ये 2000, कुल्लियात सागर निज़ामी जिल्द सोम ये भी 2000 में शाया हुई है।
منتخبات شاد عارفی 2015 مکاتیب و مضامین شاد عارفی 2016 کلیات شاد عارفی نظر ثانی شدہ یعنی یہ دوسری اشاعت ہے یہ 2016 میں شائع ہوئی اس کے بعد ہے سالک لکھنوی 2018 میں شائع ہوئی ہے خاص بات یہ ہے پروفیسر مظفر حنفی صاحب کی کہ آپ نے شاد عارفی کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہے وہ اولیات کی حیثیت رکھتی ہے شاد عارفی آپ کے استاد بھی ہیں پہلی تحریری کاوش آپ نے انہیں سے دکھلائی اور آپ نے شاد عارفی پر پی ایچ ڈی بھی کیا ہے شاد عارفی اپنے معاصر میں بہت معتوب ٹھہرے اپنی حق گوئی کی وجہ سے بے باکی کی وجہ سے جس کی وجہ سے شاد عارفی صاحب رامپور کے رہنے والے تھے رامپور کے شورا نے ان کی اہمیت نہیں دی اور ان کے کلام کو جمع نہیں کیا گیا لیکن پروفیسر مظفر حنفی صاحب کا یہ بہت بڑا کمال ہے اور اردو ادب میں شاد عارفی جیسے بہت ہی بے باک اور بہت ہی کھڑی بات کہنے والے شاعر اور بہت ہی پیچیدہ خیال کو ایک عمدہ انداز میں عمدہ لب و لہجے میں اپنی بات رکھنے والے شاد عارفی جیسے شاعر کو آپ نے زندہ کر دیا اور ان کی کتابوں کو نسل نو تک پہنچائی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اب سفر نامہ کی بات کرتے ہیں سفر نامہ ہے چل چمیلی باغ میں یہ 1998 میں شائع ہوئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کتابوں کے بارے میں جو پروفیسر مظفر حنفی صاحب کے حوالے سے ان کی حیات و خدمات پر لکھی گئی ہے مظفر حنفی شخصیت و فن یہ ڈاکٹر محبوب راہی صاحب نے 1984 میں لکھی ہے مظفر حنفی ایک مطالعہ یہ 1999 میں لکھی گئی مظفر حنفی فن اور فنکار 2006 میں مظفر حنفی شخصیت و فن یہ 2010 میں شائع ہوئی ہے مظفر حنفی بنام محبوب راہی یہ 2012 میں شائع ہوئی ہے مظفر حنفی حیات و جہاد یہ 2014 میں شائع ہوئی ہے مظفر حنفی شخصیت اور فکر و فن یہ ڈاکٹر جاوید اختر صاحب نے 2019 میں لکھی ہے اس کے علاوہ ہم ان ماہناموں کی بھی بات کریں گے جو خصوصی رسالے پروفیسر مظفر حنفی صاحب کی حیات و خدمات پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے اعتراف میں جو ماہنامے ان پر پوری طرح نظر تھے پوری طرح انہوں نے اپنے ماہنامے کو ان کے لیے ایک طرح سے لکھا ہے ان میں صدائے اردو بھوپال انتصاب سرونج جو جن کے ایڈیٹر ہیں سیفی سرونجی صاحب سفیر اردو برطانیہ 20ویں صدی دہلی شمع افروز زیدی صاحبہ ان کی ایڈیٹر ہے چہار سو پاکستان اوراق پاکستان اردو ادب جرمنی اقدار پاکستان کنٹمپریری ویبس چنڈی گڑھ کاویہ کمبھ دہرادون ان سب رسالوں نے پروفیسر مظفر حنفی صاحب کی حالات و خدمات کے حوالے سے پورا جو خصوصی رسالہ شائع کیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اعزازات کی ان اعزازات کی جو ملک اور بیرون ملک میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو دیے گئے پروفیسر شاہدی نیشنل ایوارڈ یہ مغربی بنگال اردو اکادمی کولکاتہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا غالب پریم چند ایوارڈ یہ کلچرل سوسائٹی بنگلور کی طرف سے آپ کو دیا گیا قومی ایوارڈ قومی کونسل برائے تعلیم اطفال دہلی کی طرف سے یہ ایوارڈ پیش کیا گیا اسپیشل ایوارڈ یہ انٹرنیشنل فرینڈشپ سوسائٹی کی طرف سے آپ کو اس اعزاز سے نوازا گیا اسپیشل ایوارڈ انڈو برما پیٹرولیم لمیٹڈ کی طرف سے یہ ایوارڈ دیا گیا فخر الدین علی احمد ایوارڈ غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کی طرف سے دیا گیا افتخار میر ایوارڈ لکھنؤ کی طرف سے سراج میر خان ساحر ایوارڈ بھوپال بھارتیہ بھاشا پریشد ایوارڈ کولکاتہ ملک حیدر ایوارڈ کلچرل اکیڈمی گیا نباز اردو ایوارڈ ایم سی میموریل کمیٹی کھنڈوا ماہر اقبالیات صدا لندن کی طرف سے نوازا گیا قومی ایوارڈ برائے شاعری دہلی اردو اکیڈمی کی طرف سے دیا گیا وضاحتی کتابیات دہلی اردو اکیڈمی کی طرف سے وضاحتی کتابیات پر آپ کو یہ ایوارڈ 2005 میں دیا گیا اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ برائے دیپک راگ یعنی دیپک راگ پر بھی آپ کو یہ ایوارڈ 1974 میں دیا گیا شاد عارفی فن اور شخصیت پر بھی ایوارڈ سے نوازا گیا یہ اتر پردیش اردو اکیڈمی نے 1978 میں دیا یم بیم پر اتر پردیش اردو اکیڈمی
ने 1979 में ये अवार्ड से नवाजा, और यम बयम पर आंध्र प्रदेश उर्दू अकादमी ने भी अवार्ड से नवाजा। विजाती किताबियात पर बिहार उर्दू अकादमी ने भी आपको अवार्ड से 1980 में अवार्ड से नवाजा। तिलसिम हर्फ इस किताब पर मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने आपको 1980 में अवार्ड से नवाजा। खुलजा सिमसिम पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने आपको 1981 में अवार्ड से नवाजा। खुलजा सिमसिम इसी किताब पर कल्चरल अकेडमी गया ने आपको अवार्ड से नवाजा। बेदारी इस किताब पर मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने आपको 1981 में अवार्ड से नवाजा। गुलाब मजमाउल जजायर पर बिहार उर्दू अकेडमी ने आपको अवार्ड से नवाजा। जिहादो जस्तजू इस किताब पर मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने 1982 में आपको अवार्ड से नवाजा। नीला हीरा ये बच्चों की कहानियां हैं, इस किताब पर दिल्ली उर्दू अकेडमी ने 1983 में आपको अवार्ड से नवाजा। इसी किताब नीला हीरा इसी किताब पर बिहार उर्दू अकेडमी ने भी 1983 में आपको अवार्ड से नवाजा। और इसी किताब यानी नीला हीरा पर ही उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने भी आपको अवार्ड से नवाजा। वजाहती किताबियात जिल्द दोम पर मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने आपको अवार्ड से नवाजा। पर्दा सुखन का इस किताब पर दिल्ली उर्दू अकेडमी की तरफ से साल की बेहतरीन किताब का अवार्ड 1986 में नवाजा गया। पर्दा सुखन का इस किताब पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की तरफ से बेहतरीन किताब का अवार्ड 1986 में दिया गया। आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू तंजो मज़ा इस किताब पर मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने 1990 में अवार्ड से नवाजा। हजरत मोहानी इस किताब पर दिल्ली उर्दू अकेडमी ने 1990 में अवार्ड से नवाजा। बातें अदब की इस किताब पर बिहार उर्दू अकेडमी ने 1994 में आपको अवार्ड से नवाजा। या आखिर इस किताब पर मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने 1998 में अवार्ड से नवाजा। चल चमेली बाग में ये सफरनामा है इस किताब पर मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने आपको अवार्ड से नवाजा। चल चमेली बाग में इसी किताब पर आपको उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने 1999 में अवार्ड से नवाजा। सागर निजामी इस किताब पर मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने आपको 1999 में अवार्ड से नवाजा। शाद आरफी फन और फनकार इस किताब पर दिल्ली उर्दू अकेडमी ने 2001 में आपको अवार्ड दिया। हसरत मोहानी इस किताब पर दिल्ली उर्दू अकेडमी ने 2003 में अवार्ड से नवाजा। हिंदुस्तान उर्दू में इस किताब पर दिल्ली उर्दू अकेडमी ने 2007 में अवार्ड से नवाजा। निशान जंग कराची दिल्ली उर्दू अकेडमी का मजमूई खिदमात के एतराफ में आपको 2009 में अवार्ड से नवाजा। कौमी अवार्ड दिल्ली उर्दू अकेडमी की तरफ से 2010 में आपको अवार्ड से नवाजा। बिहार उर्दू अकेडमी का जो एक अवार्ड होता है इससे भी आपको 2011 में नवाजा गया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का भी अवार्ड हर साल जो दिया जाता है इससे भी 2010 में आपको नवाजा गया। हीरे एक डाल के इस किताब पर उर्दू अकेडमी की तरफ से 2011 में अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा 2012 में भी आपको एक किताब पर उर्दू बिहार उर्दू अकेडमी ने आपको अवार्ड से नवाजा। शोलापुर से कौमी अवार्ड जो हर साल वहाँ दिया जाता है ये अवार्ड 2013 में आपको दिया गया। इलाहाबाद के इलाहाबाद में आपको महेश्वरी अवार्ड से नवाजा गया। कुल्लियात शायरी पर 2014 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने अवार्ड से नवाजा। गुफ्तगु दो बदो इस किताब पर दिल्ली उर्दू अकेडमी ने 2014 में आपको अवार्ड से नवाजा। महफिल सनम दिल्ली की तरफ से आपको अवार्ड दिया गया पूरे खिदमात के एतराफ़ में। शाद आरफी इस किताब पर यूपी और दिल्ली उर्दू अकेडमी ने आपको 2016 में अवार्ड से नवाजा। शिखर सुमन मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से ये अवार्ड आपको दिया गया। आफाक अहमद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये आपको 2019 में दिया गया। बज़्मे सदफ इंटरनेशनल अवार्ड ये अवार्ड भी आपको 2019 में दिया गया। मोहतरम नाजरीन अब आइए प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब मरहूम के एक बहुत ही अजीज़ बहुत ही करीब शागिर्द आपकी निगरानी में पीएचडी करने वाले और दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ अदब अतफाल के हवाले से बहुत अहम खिदमात अंजाम देने वाले जनाब महबूब राही साहब डॉक्टर महबूब राही साहब के तासुरात सुनते हैं। इन्होंने आपके हवाले से जो बातें कही हैं वो बहुत ही मार्कतुल आरा और बहुत ही बुनियादी हैसियत रखती है, तो आइए हम डॉक्टर महबूब राही साहब को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी का एक कमतर शागिर्द उनका अकीदतमंद।
असल हाजिर के एहसास मुनफरद लबो लहजे के कदावर शायर साहिब तर्ज अदीब नक्काद दियानतदार मुहक्क और गैर मसलहत पसंद बेबाक नक्काद प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी की रहलत उर्दू अदब का बिला मुबालगा नाकाबिल तराफी खसारा है। खाकसार मरहूम की शख्सियत और फन पर तहकीक करते हुए अपने आप को सरतापा मरहूम के लिए वक्फ कर चुका था। मरहूम की शख्सियत और फन पर कमोबेश तमाम पहलुओं पर हजारा हज़ार सफ़ा तहरीर करने के साथ साथ ज़्यादा 500 सफ़ा का करवा चुका हूँ। जहाँ तक मरहूम के शख्सी औसाफ़ का ताल्लुक़ है, मरहूम एक फशना शौहर, एक शफीक बाप, एक मिसाली उस्ताद और एक ज़िम्मेदार शहरी के साथ साथ मामलात और मामूलात में हक पसंद साफ गो और गैर मसलहत पसंदाना बेबाक रवैयों पर कारबन रहे हैं। मरहूम की साफ गोई अक्सर तल्ख गोई से ममलू होती, जो ख़ुद उनके लिए नुकसानदेह साबित होती रही है। नतीजतन मरहूम मुस्तहिक इनामात और जायदाद से अक्सर महरूम रखे गए। इस ताल्लुक़ से मरहूम का एक शेर है, ये मुजफ्फर पस्ताकत तनकीद सर पर ताज रखती है, मुजफ्फर पस्ताकत तनकीद सर पर ताज रखती है, खरा शायर कभी अजमत के चक्कर में नहीं पड़ता। अजमत के चक्कर में पड़े बगैर भी जो है वो अजीम शायर और एक अजीम अदीब रहे हैं। जहाँ तक मरहूम के अकायद का ताल्लुक़ है, मरहूम एक सही अकीदा मुसलमान थे। मेरा यकीन है कि उनका ये शेर उनकी नजात और मगफरत का सबब होगा। वो शेर है हनफी साहब का कि हमेशा दागे सजदा ढूंढने वाली निगाहों ने, हमेशा दागे सजदा ढूंढने वाली निगाहों ने हमारी शर्म आलूदा जबीनों को नहीं देखा। अल्लाह मगफरत फरमाए, हक मगफरत करे, अजब आज़ाद मरता। शुक्रिया। मोहतरम दोस्तों, प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी की इल्मी व अदबी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए आलमी तहरीक उर्दू ने प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी अलैहि रहमत के नाम से आलमी मुजफ्फर हनफी एवार्ड का ऐलान किया है। अब हर साल उनके नाम से ये एवार्ड इल्म व अदब के मैदान में बेशबहा खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियतों को नवाजा जाएगा। इस साल ये एवार्ड महाराष्ट्र की मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत डॉक्टर महबूब राही साहब को उनकी ग्रां कद्र इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में पहला मुजफ्फर हनफी आलमी एवार्ड 2021 से नवाजा गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आलमी तहरीक उर्दू ने गुज़श्ता साल 2020 में एक एवार्ड शुरू करने का ऐलान किया था, मुजफ्फर हनफी आलमी उर्दू एवार्ड, और इसी एवार्ड को लेकर एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी, जिन्होंने अपनी सिफारिशात कुछ दिन पहले जो हैं सदर आलमी तहरीक उर्दू को पेश कर दी हैं। और सदर ने ये तमाम सिफारिशात जो है वो मरकज़ी कोर कमेटी के सामने रखी और मरकज़ी कोर कमेटी ने भी इन तमाम सिफारिशात को तस्लीम कर लिया है। और अब कुल मिला के आलमी तहरीक उर्दू ने ये फैसला किया है कि इस साल का पहला मुजफ्फर हनफी आलमी उर्दू एवार्ड जो है वो महाराष्ट्र की एक अदबी शख्सियत, एक बहुत बड़े शायर, एक बहुत बड़े अदीब, जिनका नाम न सिर्फ हिंदुस्तान में है बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत अदब और एहतराम से उनका नाम लिया जाता है, डॉक्टर महबूब राही साहब, उन्हें ये अवार्ड 1 अप्रैल को दिया जाएगा। और हमारी जो आलमी तहरीकी उर्दू का एक वफद होगा, वो वफद जो है बाज़ाब्ता तौर पर महाराष्ट्र जाएगा और उन्हें ये अवार्ड सौंप देगा। मोहतरम नाजरीन, प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब को सच्चा खराज अकीदत यही होगा कि उनके इल्मी और अदबी कारनामों से पूरी दुनिया को रोशनास कराया जाए और उनके अदबी ज़खीरों को, उनके तहकीकी और तनकीदी कारनामों को, तख्लीकी कारनामों को अपनी आइंदा नस्लों तक महफूज रखा जाए। मैं इस मौके पर उनके साहबजादगान में प्रोफेसर इंजीनियर फिरोज़ मुजफ्फर साहब और परवेज़ मुजफ्फर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी अरकरेज़ी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब की तमाम चीज़ों को आइंदा नस्लों तक महफूज रखने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से और बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने महफूज करने की कोशिश की है। और हमें उम्मीद है कि वो आइंदा भी इसी तरह
प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से इसी तरह बेदार रहेंगे और इसी तरह उनके कारनामों को आगे बढ़ाते रहेंगे।